मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड छात्र संघ की 15वीं स्थापना दिवस के अवसर पर आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस बैठक में शैक्षणिक सुधार, युवाओं के रोजगार और झारखंड से जुड़े मुद्दे पर सरकार के नाम प्रस्ताव भी जारी किया गया। वहीं केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि गलत नीति से जो विभिन्न विभागों में अनुबंध कर्मचारियों की बहाली की गई है उन्हें तुरंत हटाया जाए। आज झारखंड छात्र संघ के 15 साल होने पर स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने झारखंड मिलन समारोह का आयोजन किया है और संगठन से जुड़े सारे पदाधिकारियों को हम लोग जो एकत्रित किए हैं और झारखंड का जो हालात है, झारखंड को लेकर जो है यहाँ स्थानीय नीति को लेकर, भाषा को लेकर, रोजगार को लेकर, शैक्षणिक संस्थानों में सुधार को लेकर जिस प्रकार राज्य में आंदोलन खड़ा हुआ है और आगामी जो झारखंड की जो सरकार है, महागठबंधन सरकार, इन्होंने घोषणा पत्र में छात्रों के सवाल पर, युवाओं के रोजगार के सवाल पर कई वादे किए हैं, कई घोषणाएं किए थे कि भाई यहाँ के युवाओं को जो है हम रोजगारी भत्ता देंगे, राज्य में 15 लाख बहालियाँ की जाएंगी, लेकिन अब तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आज हम लोगों ने मिलन समारोह के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके मांग किया है कि झारखंड में जो झारखंडी भावना है उसके अनुरूप जो है स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाया जाना चाहिए, लेकिन ये तब संभव है जब प्रशांत कुमार और सुमन विद्यार्थी का बनाम झारखंड का जो 2002 का जो डिसीजन है जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि भाई हम स्थानीय नीति जो है भाषा संस्कृति के आधार पर आपको बनाने का इजाजत देंगे, उस निर्णय के खिलाफ झारखंड सरकार जो है हाई कोर्ट में पुनर्याचिका दायर करे और झारखंडी भावना के आधार पर जो अंतिम सर्वे रिकॉर्ड है उसके आधार पर स्थानीय नीति का नियोजन करे। दूसरा, आप देखिएगा कि राज्य में जो विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, वहां पर जो है प्रभार में विश्वविद्यालय और कॉलेज चलाए जा रहे हैं, ना तो कुलपति है ना तो प्रतिकुलपति है, विश्वविद्यालय का कुलपति प्रतिकुलपति मनमानी निर्णय ले रहे हैं, छात्र विरोधी निर्णय ले रहे हैं, उनके कार्यों की जांच होनी चाहिए और अस्थायी कुलपति और प्रतिकुलपति विश्वविद्यालय में बहाल किया जाना चाहिए। उसके अलावा हम लोग मांग कर रहे हैं कि पिछले दरवाजे से गलत नीति से जो अनुबंध कर्मचारियों की बहाली किया गया विभिन्न विभागों में उन्हें तुरंत हटाया जाए और 3 लाख से ज्यादा जो है कर्मचारियों का पद है विभिन्न विभागों में उस पर जो है अस्थायी बहाली किया जाए। प्लस टू में जो है जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, उर्दू भाषा और राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, मानव शास्त्र आदि विषयों की बहाली नहीं की गई है। 2 बार प्लस टू शिक्षकों की बहाली हुई, उसमें हम लोगों का मांग है कि उन विषयों के शिक्षकों को बहाल किया जाए। उसके अलावा 4401 उर्दू शिक्षक के 3712 पद खाली पड़े हुए उसको स्नातक के उत्तीर्ण से भरा जाए, टेट परीक्षा का आयोजन किया जाए। उसके अलावा जो है आप देखिएगा कि भाई झारखंड में संकल्प 1278/2003 अब तक लागू नहीं किया गया है, उसके कारण जनजातीय क्षेत्रीय भाषा यहाँ के प्रारंभिक विद्यालयों में उनकी शिक्षा नहीं दी जाती है, आप उस भाषा के आधार पर यहाँ पर शिक्षा देने का काम करें। आप देखिएगा कि छात्र जो दूर दराज से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, लेकिन बस का भाड़ा और ऑटो का भाड़ा इतना अधिक है कि वो वहन नहीं कर पाते हैं, तो उसमें 30% का कटौती जो है झारखंड सरकार लाए और छात्रों को जो है उसका राहत दे, कोचिंग एक्ट बनाया जाए, हॉस्टल एक्ट बनाया जाए। और राज्य में कई जो है छात्र युवाओं के सवाल है उस पर हम लोगों ने 11 सूत्रीय प्रस्ताव पारित करके मांग किया है। अगर सरकार हम लोगों के मांगों पर जो है कार्रवाई नहीं करती है तो जिस प्रकार पूर्व में हम लोगों ने छात्रों के सवाल पर आंदोलन किया है, युवाओं के सवाल पर आंदोलन किया है, आने वाले समय में हम लोग फिर आंदोलन करने का काम करेंगे। अली जी, केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पास किया गया अल्पसंख्यक के लिए उसके बारे में क्या कुछ? अभी अल्पसंख्यकों का बजट केंद्र सरकार के द्वारा नहीं आया है, लेकिन जो बजट दिया गया है उस बजट से जनता को जो है बहुत ज्यादा राहत नहीं है। ये आम लोगों की बजट नहीं है, बड़े लोगों की बजट है, अमीरों की बजट है। जब से झारखंड छात्र संघ का गठन हुआ है, आज चुके हम लोग 15वें दिवस मना रहे हैं और जब से हम लोग झारखंड छात्र संघ का आंदोलन करते रहे हैं, चाहे जेपीएससी का आंदोलन हो चाहे किसी चीज़ का आंदोलन हो, लेकिन आज तक हमें लगता है समस्या खत्म नहीं हुआ बल्कि विकराल रूप में और बढ़ता ही जा रहा है। हम एक निर्णय लेना चाहते हैं और आज हमारा जो आज स्थापना दिवस मन रहा है, हम लोग जो कि 12 सूत्री मांग रखे हैं कुछ बना रहे ताकि हम जितना भी जो हमारे छात्र लोग हैं जो बेरोजगार है, हम लोग ऐसा नीति सरकार से बोलेंगे, ऐसा नीति बनाई जो स्थानीय रोजगार मिल सके। उसके बाद जितना भी हमारा जो युवा बेरोजगार था, मतलब जो सरकार कुछ वादा किया था कि हम आप लोगों को ये देंगे, क्या बोलते हैं, पैसा देंगे, आज तक मिला नहीं, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, नौकरी नहीं मिल रहा है, हम लोग कहाँ जाए। हम चाहते हैं कि झारखंड छात्र आने वाला कल में फिर इसी तरह आंदोलन करेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।